तालियों के जोरदार म्यूजिक के साथ तालियों का स्वागत करते हैं, तो प्लीज वेलकम आवर कंटेस्ट मिस्टर माधव सिंह। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, आप लोग यहां पर क्या सोच करके आए ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं अपना कीमती वक्त निकाल करके, कहीं किसी ने अपना समय मैनेज किया होगा, किसी ने काम को डिले किया होगा, कहीं किसी को जाना होगा, अपॉइंटमेंट्स होंगे उनको डिले किया होगा, किसी ने अपने प्रोग्राम कैंसिल किए होंगे, किसी ने जॉब से छुट्टी ली होगी, किसी को छुट्टी नहीं मिली होगी तो कोई बहाना लगाया होगा, कैसे कैसे करके टाइम मैनेज करते हैं मैं समझ सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक कमिटमेंट करना चाहूंगा, जितने भी लोग आज इस हॉल में मौजूद हैं, आज आप लोगों ने कैसे करके अपना समय मैनेज किया है और जो सोच करके आप यहां पर आए हुए हैं, यहां पर जाने के बाद मैं आपको आज वादा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं कि आज का दिन आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन दिन होगा। आपने जो समय दिया है वो समय जो आज आपने समय निकाला है अपने बिजनेस के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, वो समय बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। आप में हर एक बैठा हुआ शख्स कोई यहां से एक प्रेरणा लेकर के जाएगा, एक ऊर्जा लेकर के जाएगा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये सक्सेस मुझे हासिल करके दिखानी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं सभी? विजयपाल जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे? मुझे काफी समय के बाद ये बात समझ में आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस दुनिया में सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। इस दुनिया में गुड लक नाम की चीज तो होती है, बैड लक नाम की कोई चीज होती नहीं। ये बाद में समझ में आया मुझे, कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ में हुए उनके बाद मेरे को समझ में आई ये बात। एक बार की बात है, अकबर बीरबल को आप लोग सभी जानते हैं। अकबर की सडनली उंगली कट गई और बहुत तेज चिल्लाए, यार मेरी उंगली कट गई है, जाओ वैद्य को बुलाओ, और ये तो बड़ा दिक्कत हो गई और मैं तो अपाहिज हो गया, उंगली कट गई मेरी। तो उधर सामने से बीरबल आते हुए दिखाई दिए, बोले महाराज रिलैक्स, परेशान मत हो, ये सब चलता रहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी आपके कोई ऐसे बोले आपकी उंगली कट जाए और बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या करेंगे आप? उसका सर फोड़ देंगे और उसको बोलेंगे ले तेरे लिए भी अच्छा हुआ, है ना? तो महाराज को बड़ी चिढ़ आ गई, बोला मेरी उंगली कट गई और ये बोल रहा है जो होता अच्छे के लिए होता है। उसने बोला यार मेरी जो होगी वो देखी जाएगी, वैद्य को छोड़ो, इसमें लगाओ चार कोड़े फटकार के, उसको टांग दो सुबह, इसको फांसी देना, तब इसको पता चलेगा। उसको सैनिक पकड़ करके ले गए, बहुत गुस्से में थे, और महाराज अपना पट्टी वट्टी करवा करके और शिकार के लिए निकल लिए, अकेले निकल गए, और शिकार मिला नहीं तो शिकार के चक्कर में काफी अंदर जंगल में चले गए। जंगल में पता चला कि आदिवासी कबीले वाले उसको महाराज को पकड़ लिया, उन्होंने घेर लिया। उनका कोई एनुअल डे था, बलि चढ़ाने का दिन था, और बोले हम तो ढूंढने के चक्कर में थे, भगवान छप्पर फाड़ के देता है, खुद ही भेज दिया तेरी, चलो अच्छा हुआ। और उसको पकड़ के ले गए, पूरा नलाया धुलाया, तभी पता चला कि महाराज का अंग भंग है, उंगली कटी हुई है। तो बलि चढ़ाने के लिए आदमी को अंग भंग नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने महाराज को रिजेक्ट कर दिया, बोले यार ये अपने मतलब का नहीं है, कोई दूसरा पकड़ना पड़ेगा। और जैसे ही रिजेक्ट किया, महाराज को बीरबल की बात याद आई, बीरबल ने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर ये उंगली नहीं कटती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। उन्हें अकबर को बीरबल की बात याद आई और दो रोते चिल्लाते वो वहां से भागे, कहीं उसको बलि, मैं तो चढ़ने से बच गया लेकिन बेचारा बीरबल को मैं आदेश देके आया हूं कि फांसी लगाने के लिए, और घोड़ा उठाया वहां से और रोता चिल्लाता हाय मेरे बीरबल, और दौड़ा दौड़ा आया, वहां देखा कि बीरबल की तैयारियां चल रही हैं,
और आते ही बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। बोले बीरबल यार, आपने बहुत सही बात बोली थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो आज मैं यहां होता नहीं। और उनसे माफी मांगी। तो बीरबल बोला, जो होता अच्छे के लिए होता है। तो महाराज को एक बात समझ में नहीं आई, बोले यार मेरे साथ तो मैं बच गया तो अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने आपको इधर कोड़े लगवाए और इधर मैंने टंगवा दिया, आपको जेल में डलवा दिया, तो आपके साथ क्या अच्छा हुआ। तो उन्होंने बोला बीरबल ने, महाराज अगर आप मेरे को इधर जेल में नहीं डलवाते ना तो मेरे को संग लेके जाते आप, आप रिजेक्ट हो जाते लेकिन मैं तो सिलेक्ट हो जाता। तो इस दुनिया में गुड लक नाम की चीज है, बैड लक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। मैंने महसूस किया, मैं थोड़ा सा दो तीन चीजें आपको मैं सिक्योर लाइफ से पहले के बारे में बताऊंगा और मेरे को आज रियलाइज होती है सारी चीजें। मेरे फादर रेलवे में जॉब कर रहे थे और रेलवे में जॉब करते हुए मैं उस समय शायद इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, इंटर में पढ़ाई कर रहा था। तो इंटर में पढ़ाई करते समय ऐसा कुछ आया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई। फाइनेंशियली प्रॉब्लम का मतलब है सरकारी नौकरी करते हुए फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी तो नहीं आनी चाहिए ना, लेकिन क्या हुआ, उनका कुछ पैसा वगैरह लेकर के बाहर के लोग भाग गए। अभी उनको फ्रस्ट्रेशन में आ गए, उनको लगने लगा कि यार ऐसा क्या हो गया, पैसा वैसा है। तो हमारी मम्मी ने बोला ठीक है। इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो क्या होता है, दो कंडीशंस बनती हैं, एक फैमिली तो टूट बिखर जाती है और एक फैमिली बिल्कुल एक साथ इकट्ठा हो जाती है। हमारी फैमिली दूसरी वाली थी, इकट्ठा हो गए एक साथ, बोले यार ये प्रॉब्लम आई है मिलकर सहेंगे। हम छोटे छोटे थे तो क्या हुआ, मम्मी ने अपनी ज्वेलरी वगैरह सारी आगे रख दी, बड़े भैया जो यहाँ साथ में ही है इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और छोटे भाई ने दुकान खोल ली। मेरे को लगने लगा यार मुझको भी काम करना चाहिए, तो मैंने भी एक प्राइवेट फैक्ट्री में कारखाने में जाकर काम करना शुरू कर दिया। तो अभी हमको ये लग रहा था कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से निकले, और मेरे को पढ़ाई करनी थी, मेरे दिमाग में कहीं से एक फाइल डेवलप हो गई थी कि कहीं से भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी नौकरी मिले या ना मिले लेकिन कम से कम आदमी को ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, ये फाइल मेरे दिमाग में थी। लेकिन जब मैं वहां काम करने के लिए गया तो वहां पता चला वो जो ओनर थे उन्होंने बोला कि यार आप क्या करते हो, मैं पढ़ता हूँ। बोले यहाँ काम क्यों करते हो, बोला ऐसी मेरे को जरूरत है इसलिए पढ़ता हूँ, मैं स्कूल की पढ़ाई की फीस पूरी करने के लिए यहाँ पर पढ़ता हूँ, मतलब ये आप क्या काम करता हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, तो बोला ठीक है यार पढ़ाई जरूर करना, पढ़ाई कर लेना, तो पढ़ाई कर लोगे तो क्या होगा, जिंदगी भर ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाके सेट हो जाओगे और जॉब वगैरह लग जाएगी तो आपकी इनकम वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे को लगने लगा यार ये आदमी जिसके मैं काम करता हूँ ये खुद भी बोल रहा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और जिंदगी भर यहाँ काम करने के चक्कर मत रहना, आपने आगे बढ़ना, आपको लगता है देख करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे को वहां से लगा, उस व्यक्ति की बात दिमाग में घूमती रहती थी कि उसने बोला है कि यार आगे बढ़ना है, कुछ पढ़ाई करनी है। वहां से आने के बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था कर्जा चलाने के लिए, फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था तो वहां से इनकम आती थी। तो मेरे को लगा कि यार एक स्कूल में अगर जाके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चों को ट्यूशन ज्यादा हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि इनकम ज्यादा होनी चाहिए, मेरे को पैसे की आवश्यकता ज्यादा है। तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो वहां से थोड़े से पैसे मिलते थे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ही मेरा इंटरेस्ट था कि वहां से स्कूल में पढ़ाने से मेरे को बच्चे ज्यादा मिल जाएंगे पढ़ाने से। लेकिन क्या हुआ, धीमे धीमे करके स्कूलों में एनुअल डे होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त का दिन आता था तो मेरे को माइक मिलता था वहां पर, तो माइक में मेरे को इतना मजा आने लगा कि मैं स्कूल से जो पैसे मिलते थोड़े से उनको नहीं देखता था, मैं इंतजार करता था कि 15 अगस्त का दिन आएगा और 26 जनवरी का दिन आएगा तो मेरे को माइक मिलेगा। मंच और माइक मेरे को इतना अच्छा लगने लगा तो वो मेरा पैशन बन गया कि मेरे को मंच और माइक चाहिए। मुझे मालूम नहीं था क्या करना है, स्कूल में पैसे कम मिलते हैं उसका ध्यान नहीं है, ध्यान कहां पर है, मंच का और माइक का। साल में 2 बार माइक मिलता था और मंच मिलती थी, तो उसके चक्कर में मैं स्कूल में पढ़ाया जा रहा हूं। तो मेरे को दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं तो ये पोजीशन ऐसे करके है, अगर मैं सरकारी स्कूल में चला जाऊंगा तो शायद मंच माइक भी मिलेगा और पैसे की इनकम भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे दिमाग में मेरे को करके ऐसे कुछ चल रहा था। तो मैं नहीं जानता था कि जो हम विचार करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। धीमे धीमे करके ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई और मेरे को किसी ने सलाह दी, पता नहीं था कहां क्या करना है, कहां जाना है कुछ पता नहीं, लेकिन लगता था कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना, कोई कुछ भी बोल दे वही करना शुरू। किसी ने बोला रेलवे में घुस जाओ तो बोला रेलवे के फॉर्म डालना शुरू, किसी ने बोला बैंक में तो कुछ जाओ तो बैंक की तैयारी करना शुरू, किसी ने बोला कुछ और कर लो तो कुछ और करना शुरू, किसी ने बोला आप होटल मैनेजमेंट कर लीजिए आपकी साल बचेगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी।
तो मैंने होटल मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। तो वहां पर जाकर के मैं देखता था होटलों में जाने का मौका मिलता है, तो होटलों को मैं जाने के बाद मेरे को लगने लगता है यार होटल तो बहुत अच्छी चीज होती है और बड़ा अट्रैक्शन। अपन जैसे बंदे नॉर्मल बैकग्राउंड से होने के बावजूद अगर होटलों में जाएंगे तो होटलों में जाने में अच्छा लगता है, बढ़िया चकाचौंध की लाइफ रहती है। तो मेरे को वहां से मेरे सपने ड्रीम जागे कि यार ये होटल की लाइफ है बहुत अच्छी लाइफ है और यहां भी अपने को होना चाहिए। तो वहां से मेरे को ड्रीम्स मिले कि होटलों की लाइफ मिलनी चाहिए, अच्छे अच्छे होटल्स में जाना चाहिए। जिंदगी में अगर होटलों की लाइफ अगर शामिल हो जाती है तो जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाती है। तो वहां पर मैं दूसरों के कहने की वजह से मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था, मेरा खुद का पैशन नहीं था। दूसरों के कहने की वजह से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया, मेरा खुद का पैशन नहीं। किसी ने सलाह दी कि होटल मैनेजमेंट कर लो, मेरा खुद का पैशन नहीं है। किसी ने बोला मैंने करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मेरा ड्रॉप हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर किसी ने बोला कि आप तैयारी करो, कोचिंग करो, आपको बड़ा काम करना है तो बड़ा अधिकारी बनना है। तो क्लास वन ऑफिसर बनने के लिए मैंने कोचिंग करना शुरू कर दिया, सिविल सर्विसेज की कोचिंग करना शुरू कर दिया। वहां पर जाकर के जो तैयारी की वो किसी ने बोला कि आप बीएड के लिए भी ट्राई कर लो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो। जो बोल रहा है मैं करने के चक्कर में लगा हुआ हूं, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, मेरा ख्वाब क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ जो बोल रहे हैं वो करना है। अभी उसी दरमियान में उन्होंने बोला कि बीएड कर लो, तो जो तैयारी मैंने की सिविल सर्विसेज के लिए वहां पर मुझे नौकरी नहीं मिली। जो मैंने टेस्ट दिए ढेर सारे बैंक के लिए या ढेर सारे टेस्ट दिए मैंने रेलवे के लिए, वहां पर मुझे सफलता नहीं मिली। तो मुझे लगता था यार मैं ही क्यों फेल हो रहा हूं, ढेर सारे लोग हैं सेलेक्ट होते हैं, ढेर सारे लोगों की सरकारी नौकरी लगती है, मेरी क्यों नहीं लग रही, मैं ही क्यों फेल हो रहा हूं। तब मेरे को बात समझ में आई कि जो मैंने एक्सपीरियंस जो अनुभव लिया वो बाद में जाकर के मेरे काम आया। मैं वहां पर फेल हुआ लेकिन बीएड का मैंने टेस्ट दिया, बीएड में नंबर आ गया। बीएड में नंबर आने के बाद में सलाह दी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लीजिए, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना शुरू कर दिया। बीएड करते हुए जो मैं चाहता था मंच माइक माला और साथ साथ में होटलों की लाइफ, ऐसा कुछ करके मेरे दिमाग में सारी चीजें घूमती रहती थी। धीमे करके वो दिन आया, सिक्योर लाइफ बिजनेस का प्लान देखने के लिए मुझे मौका मिला। मैं बिजनेस करना है कि नहीं करना है ऐसे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैंने बीएड की पढ़ाई कर रहा था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था और साथ में सिक्योर लाइफ बिजनेस देखने का मौका मिला। बिजनेस देखने के बाद मेरे दिमाग में दो चीजें क्लिक की कि जो आदमी स्टेज पे जाकर के माइक से जो कुछ समझा रहे थे, तो मैंने उन्होंने क्या बताया वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को एक बात समझ में आई कि इस कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूं तो आने वाले टाइम में इनकी तरह मैं भी बोल सकता हूं, माइक मिल सकता है और मंच मिल सकता है। दो चीजों ने ट्रक किया जो मेरे दिमाग में थी। और इसके अलावा जब मैंने जैसे तैसे सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं डटर के, मैंने भी इस बिजनेस को डटर के ज्वाइन किया। मुझे भी शुरुआत में भरोसा नहीं था कि इस बिजनेस में डायमंड बनाया जा सकता है, मुझे भी नहीं लगता था कि लोग लाइन लगा के ज्वाइन करते हैं। मुझे भी भरोसा नहीं था आपकी तरह कि चेक आते हैं, और मुझे भी भरोसा नहीं था कि इस बिजनेस में बड़ा काम पूरा हो सकता है या सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने भी डटर के बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं अचीवमेंट बनते हैं तो विश्वास बनता है कि नहीं बनता है, मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने काम करना शुरू किया, शुरुआत में मेरे साथ भी लोगों ने मजाक उड़ाया, फेलियर सब मिली, लोगों ने साथ में ज्वाइन नहीं किया, लोगों ने मजाक उड़ाया। तो इस बिजनेस में आने के बाद मेरे को पता चला कि जिस अगर जो कोयला होता है उसके साथ ही हीरा पाया जाता है, और जिस कोयले पे सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है वो हीरा बन जाता है, जिस कोयले में सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, सबसे ज्यादा दबाव होता है, वो कोयला ही हीरा बन जाता है। जिस आदमी का विरोध सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है। और अगर पत्थर से मूर्ति बनना है तो पत्थर को चोट खानी पड़ती है, उसके बाद मूर्ति बनता है और पूजा का हकदार बनता है। विरोध बहुत जरूरी है, फेलियर बहुत जरूरी है, और अगर फेल होंगे तो आपके पास में जो फेल हुए हैं वो आपके एक्सपीरियंस आने वाली सक्सेस की सीढ़ियां बनती हैं, कामयाबी की चढ़ने के लिए सीढ़ियां बन जाते हैं, और ऐसा इतिहास भरा पड़ा है उन लोगों के लिए। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इस बिजनेस में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, फेलियरशिप देखनी पड़ेगी, लोगों को नो सुनना पड़ेगा। तो मैं निकल पड़ा नो सुनने के लिए। मैं काम करता था, मुझे नहीं मालूम कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, मुझे मालूम इतना बता दिया गया कि आप सुबह बैग लेके निकलो, रात देर रात तक घर में घुसो, ये चिंता करना छोड़ दो कि आप इस बिजनेस में कामयाब होगे कि नहीं होगे। आप सिर्फ अपना काम चालू रखो और आप देखोगे कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरेगा कि सारे लोग आपको नो बोलें। आप सिर्फ काम करना शुरू कर दो। मैं काम करना शुरू किया, लोगों के पास जाता था, लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी देता था। कोई भी किसी व्यक्ति ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, जिसने हाँ बोला उसके साथ मैंने हाथ से हाथ मिलाया, काम करने की शुरुआत की और धीमे धीमे करके कारवां को आगे बढ़ाया। जिन लोगों ने ना बोला तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, ये लोग जो ना बोल रहे हैं
ये आने वाले वक्त में आएंगे, तो उनको मैंने इश्यू नहीं बनाया और साइड रख करके मैं जिनके साथ में काम करना था उनके साथ काम करता चला गया। काम करते 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 कई सारे मैंने एक्सपीरियंस लिए बिजनेस में, और बिजनेस में एक्सपीरियंस लेने के बाद में आज जो स्टेप्स के बारे में सपना देखा करते हैं वो एक केवल सारी चीजें आज अपने साथ में हो चुकी हैं। दो लोगों को ज्वाइन कराने के लिए बहुत मुश्किल लगी थी मुझे भी। एक आदमी को ज्वाइन कराने के लिए जाते थे तो बड़े नखरे झेलने पड़ते थे, लेकिन आज वो दिन आ गया है कि हर 5 मिनट में एक व्यक्ति मेरी टीम में जुड़ जाता है। एक व्यक्ति हर 5 मिनट में मेरी टीम में जुड़ जाता है। मैं किसी को प्लान दिखाऊं या ना दिखाऊं, आप समझ सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा अच्छे से करिए। अगर 8 घंटे की या 10 घंटे की नींद ली, मैं अगर सो गया 8 घंटे के लिए, तो 5 मिनट में अगर एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो 60 घंटे में कितने, 60 मिनट में कितने लोग ज्वाइन करेंगे, 12। तो 1 घंटे में 12 लोग, और 10 घंटे अगर सोए तो कितने लोग ज्वाइन कर लिए, 120। रात गुजरी और 120 लोगों ने ज्वाइन कर लिया पहली रात में, एक रात के अंदर ही। फिर दिन में अलग, रात में अलग, दिन में अलग, कहीं ट्रेवलिंग में है तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो रहे हैं तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, खा रहे हैं तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं 3 घंटे की मूवी देखने के लिए थिएटर में गया तो 3 घंटे में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, आपको आइडिया है? उतने टाइम में मैं पिक्चर देख के निकला, उतने टाइम में मेरी टीम में 36 लोग ज्वाइन कर चुके हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपना इतिहास लिखने के लिए और डायमंड बनने के लिए। ये सिर्फ शुरुआत पहले कदम से हुई, पहला कदम आगे बढ़ाया धीमे करके, आज धीमे धीमे करके ये मुकाम है। लगातार ढेर सारे लोग साथ में ज्वाइन करके काम करते चले आ रहे हैं। मैंने इस बिजनेस में काम करने के बाद पिछले 9 सालों में कुछ बातें समझी और सीखी हैं। आपकी परमिशन है आपके साथ शेयर करें। मेरे को जो काम करता था तो काम करते हुए धीमे धीमे करके अनुभव मिला। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि माधव जी ये बिजनेस में है ना, ही ने बात नहीं, बिजनेस की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में जो एक आदमी है उसका जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह है। भगवान ने जिसको बनाया है उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में पहले डाला जाता है और जो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, जो प्रोग्राम डाला जाएगा, वही उसके अंदर रन करता है, वही चला पाते हैं। जो डालोगे वही प्रोग्राम चला पाओगे, जो नहीं डालेंगे उसको नहीं चला पाएंगे। ऐसे ही इस आदमी में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, कुछ लोग सफल हैं, कुछ लोग असफल हैं, कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, कुछ लोग बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाते हैं, कुछ लोग बड़े एंजॉय की जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग बहुत संघर्ष करते हैं। अंतर क्या है? तो लोग आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं उनको, ये नसीब वाला है, ये किस्मत वाला है, ये तो सोने की कलम से लिखवा करके लेके आया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नसीब, किस्मत और सोने की कलम होती क्या है। जिस आदमी के दिमाग में जो प्रोग्राम डाला जाता है वो वही बन जाता है। और हमारे समाज में ज्यादातर बातें क्या डाली जाती है हमारे दिमाग में, शुरू से दिमाग में एक ही बात डाली जाती है बार 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 बार, क्या डाला जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे बोला जाता है। हकीकत की दुनिया में रहो। और जो लोग ऐसा मान लेते हैं कि बच्चों का खेल नहीं है और ये बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है, पत्थर तोड़ना है, लोहे के चने चबाना है, ऐसा समझा देते हैं और ऐसा मान लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं तो जिंदगी में वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग कुछ बड़ा कर पाते हैं उनके दिमाग में शुरू से एक बात डाली जाती है कि बहुत बड़ा आदमी बना जा सकता है। और ये दुनिया में कामयाबी आदमी के लिए बनाई गई है, और वो लोग मान लेते हैं कामयाबी मेरे लिए बनाई गई है तो वो कामयाब हो जाते हैं। कैसे? सदियों लगती है बिलीफ बनने में। पहले से हजारों साल से चला आ रहा था कि पृथ्वी जो धरती है वो कैसी है, चपटी है, चपटी है। लेकिन रातों रात कोई व्यक्ति आया और उसने खोज की और बोला धरती चपटी नहीं है, ये गोल है। सदियों का जो विश्वास था वो एक झटके में, एक मिनट में टूट गया। टूट गया कि नहीं टूट गया? और लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, धरती गोल है, धरती गोल है, धरती गोल है। पहले लगता था कि यह धरती है और ये सारे चंद्रमा हैं और ये सूर्य सारे चक्कर काटते हैं। लेकिन बाद में किसी ने बताया कि धरती चक्कर काटती है ना कि सूर्य चक्कर काटता है। तो जो बना बनाया विश्वास था वो टूट गया कि नहीं टूट गया? एक झटके में टूट गया। एक ऐसे मिनट लगती है टूटने में। और दोस्तों ऐसे ही मुझे भी ये लगता था कि कामयाबी लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत टेढ़ी खीर है, बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिजनेस में काम किया और सिर्फ काम किया और कामयाब हो गया तो अभी लगता है बच्चों का खेल है।
बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ काम किया। क्योंकि अगर हम अपनी मेहनत को सही दिशा दे देते हैं तो वो सक्सेस में कन्वर्ट होती चली जाती है। बड़े लोग यही बोलते हैं, सक्सेस में कन्वर्ट होती चली जाती है। और अगर सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करते रहने से सब कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्यादातर हम मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, मेहनत ही तो कर रहा था, प्राइवेट स्कूल के अलावा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, मेहनत कर रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे उतने, लेकिन वो मेहनत सही जगह पर होना शुरू हो गई। टाइम तो उतना ही मेरे पास में है, लेकिन आमदनी बढ़ गई, मेहनत कम हुई आमदनी बढ़ गई। हमारे पास में एक ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया है, एक सही ट्रैक दिया हुआ, उस ट्रैक पर हम अगर आ जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारी सालों की जो मेहनत है, सालों में जो हमने जो कमा कर सीखा है, वो उस सबके ऊपर, ये 3 से 4 साल की आपकी मेहनत, 3 से 4 साल का आपका स्ट्रगल, वो पूरी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ सकता है। हम सबके साथ ऐसा ही हुआ है। सिक्योर लाइफ की 4 साल की मेहनत, हमारी जिंदगी के जितने भी एक्सपीरियंस है, वो सभी डायमंडों के साथ ऐसा हुआ है, पूरी जिंदगी की इनकम पर, पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस पर भारी पड़ गई 3 से 4 साल। अगर आप सिर्फ 3 से 4 साल काम कर लेते हो तो आपकी इनकम, आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो सब पर भारी हो सकता है, क्योंकि आप 4 साल में यहां से डायमंड बनकर उस रिकॉर्ड को कायम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि इतना डायमंड बनना इतना आसान नहीं है, बोलते हैं ये बिजनेस में कामयाब होना इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा ही उन लोगों को बोला गया जो आदमी सालों से मेहनत कर रहा था कि बिजली बनेगी, बिजली बनेगी, बिजली बनेगी। उसको लोग बोलते थे बिजली बनाना आसान नहीं है, क्योंकि बिजली नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, और जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो इस दुनिया में है ही नहीं, तो बनेगी कहां से। और उस आदमी को बोला, लेकिन उसे विश्वास था कि बिजली बनेगी। सिर्फ अपने विश्वास की वजह से इस दुनिया में बिजली बन गई, और जो लोग बोलते थे नहीं बन सकती, उन लोगों ने सैल्यूट मारा, हां बिजली बन सकती है। बन सकती कि नहीं बन सकती है? किसी आदमी को लगता था कि हवाई जहाज उड़ सकता है, लोहा उड़ सकता है, किसी को लगता था, लेकिन पूरी दुनिया को लगता था ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। दुनिया में रॉकेट नाम की, हवाई जहाज नाम की कोई चीज होती नहीं है, और जो चीज है ही नहीं वो संभव कैसे, संभव ही नहीं। लेकिन बना बनाया बिलीव था कि हवाई जहाज उड़ ही नहीं सकता, लोहा उड़ ही नहीं सकता, ये विश्वास था, विश्वास कि लोहा उड़ नहीं सकता, आज से पहले कभी उड़ा नहीं, लेकिन किसी को लगता था कि लोहा उड़ सकता है, लोहा उड़ सकता है, हवाई जहाज उड़ सकता है। उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, FIR दर्ज करा दी थी, पुलिस वाले उठा के ले गए, बोला आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो कि लोहा हवा में उड़ेगा, सब बेकार की बातें, नहीं उड़ सकता। उनको रात भर चौकी के अंदर रखा, लेकिन चौकी से बाहर निकले और क्या बोले, लोहा उड़ सकता है, और लोहा उड़ा के दिखा दिया, उड़ाया कि नहीं उड़ाया। और जब लोहा उड़ा तो सारे लोगों ने बोला लोहा उड़ सकता है, लोहा उड़ सकता है। ट्रेन नहीं चल सकती, अरे हां पतले पहियों पर, ये पतली पटरी पर ट्रेन चलेगी, नहीं चल सकती, किसी को लगता था चल सकती है, और चलेगी, और ट्रेन चल गई, चली कि नहीं चली। किसी को लगता था कि ATM मशीन बनेगी, किसी को लगता था पानी में मोटर दौड़ेगी, किसी को लगता था कि हम अपने ग्रह से दूसरे ग्रह पे भी जाएंगे, और ऐसा हो सकता है, और झूमते हैं, गाते हैं, कसमें खाते हैं, लेकिन हॉल से बाहर निकलने के बाद वो ठंडा हो जाता है। ये जो आग आज जली है दोस्तों, ये चिंगारी, इसको हवा दो, और अगर इसको हवा दे दी आपने तो ये बन जाएगी ज्वाला, और अच्छे अच्छे लोगों के मुंह पर लग जाएगा ताला। बन के दिखाओ डे सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, ये सजनी पे दिल आ भरोसा करो अपने ऊपर, भरोसा करो अपने खुद के ऊपर, और कदम आगे बढ़ाओ। दुनिया जो बोल रही है बोलने दो, जीत आपकी होगी। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।